शंभू सिंह खेरवार झामुमो के सदस्य बागी वाली खबर झूठी है। झामुमो केदार प्रखंड के उप प्रमुख सह झामुमो के निर्वर्तमान अध्यक्ष शंभू सिंह खेरवार ने आज जिला कार्यालय में उपस्थित होकर एक बयान जारी कर कहा है कि कुछ तत्व उनके संबंध में पार्टी से बागी हो जाने संबंध भ्रामक प्रचार मीडिया एवं सोशल मीडिया में कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह झामुमो के एक निष्ठावान समर्पित सदस्य हैं और विगत 20 वर्षों से झामुमो के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। अपने क्षेत्र में संगठन को लगातार मजबूती देने के लिए वे निरंतर लगे रहते हैं और जन सेवा का कार्य करते हैं। कुछ शरारती तत्व पार्टी में आपसी विद्वेष एवं भ्रम फैलाने के लिए अनर्गल एवं भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जिला सचिव मनोज ठाकुर ने कहा कि शंभू सिंह खेरवार पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं और साथ में केदार प्रखंड के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। इससे संबंधित प्रकाशनिक बागी की खबर निराधार और झूठ है। झामुमो जिला कमेटी इसका खंडन करती है। मौके पर जिला प्रवक्ता धीरज कुमार दुबे मौजूद थे। आप देख रहे थे डेली न्यूज झारखंड। धन्यवाद। विगत दिनों केदार प्रखंड में उप प्रमुख का चुनाव हुआ था, जिसमें हमारे झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष शंभू सिंह खेरवार जी उप प्रमुख का चुनाव जीते। इनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। लेकिन अखबारों में खबर प्रकाशित हुई कि बागी सदस्य झामुमो के बागी शंभू सिंह खेरवार जी हैं। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी का खंडन करते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय सदस्य हैं। विगत 20 सालों से झामुमो के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। अभी वर्तमान में कार्यवाहक प्रखंड अध्यक्ष भी है केदार प्रखंड का, और ये बागी नहीं है। ये खबर झूठ है और इसका हम लोग खंडन करते हैं। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि हम आगे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आजीवन बने रहेंगे, तो ऐसे हमारे जो है वो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए तन मन धन और निष्ठावान तरीके से लगकर अपना काम करते हैं। जो विरोधी हैं वो जानबूझकर साजिश करके मनोबल को गिराने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचते रहते हैं, जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैं शंभू सिंह खेरवार, ग्राम खोनहर, पंचायत बलीगढ़, प्रखंड केदार का झारखंड मुक्ति मोर्चा का 20 साल से सदस्य बनकर अध्यक्ष बन के हूँ। और जो अभी हाल में गांव घर का चुनाव हुआ, उसमें मैं उप प्रमुख का चुनाव जीता। जीतने के बाद कुछ विरोधी लोग ने बता रहा है कि बागी है, इसे मैं खंडन करता हूँ कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को 20 बरस से हूँ। मैं जीवन भर झारखंड मुक्ति मोर्चा से रहूँगा। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह से राज्य में सफलता प्राप्त कर रही है कि सारे विरोधी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को लेके तरह तरह के अफवाहें फैला रहे हैं। जैसे कि हमारे शंभू सिंह उप प्रमुख बन चुके हैं केदार प्रखंड में, इनको लेके कि बागी हो गए। लेकिन वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया हमारा कार्यकर्ता केदार में, प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो गए। विरोधियों को मुंह के खानी पड़ी, तो ऐसा चोट देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा तत्पर है। विरोधी सोच ले कि वो है कहां। विरोधियों को जनाधार घिसक चुका है और आने वाला समय में जो बड़े बोल पन के हैं, जो बहुत कुछ बोलने जानते हैं, उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जनता ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा।